लॉकडाउन है, बीमारी फैलने का डर है, और एहतियात इसी में है कि हम लॉकडाउन पे अमल करें, घर में रहें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि ख़ुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। और हमारे मज़हब में हर तरह का ऑप्शन है, हर तरह की इजाज़त है। तो अगर घर में हम रहेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अपने तमाम भारत के मुसलमानों से और इमामों से ख़ास तौर पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि उम्मीद है कि 24 तारीख को चांद का ऐलान हो जाएगा और 25 तारीख को पहला रमज़ान का पवित्र रोज़ा शुरू होगा। ऐसे में तमाम पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से अभी वबा फैली हुई है, ये बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके मद्देनज़र तमाम पूरे भारत को लॉकडाउन किया हुआ है। और इस लॉकडाउन के अंदर एकमात्र एक इलाज है, वो है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ठीक है, त्यौहार आया है, नवरात्रे भी आए थे और अब रमज़ान भी आए हैं, नवरात्रे भी लॉकडाउन में मनाए गए और अब पवित्र रमज़ान का महीना भी लॉकडाउन में ही मनाया जाएगा। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ख़ास तौर पर वो कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और रमज़ान का पवित्र महीना रोज़ा, पूरा रोज़ा अपने घर के अंदर ही रहकर इबादत करेगा। तरावियों का जो सिलसिला है वो तरावी भी घर में पढ़ी जाएंगी, क्योंकि तरावियां सुन्नत है, सुन्नत मौकदा है, छोटे श्लोक के साथ अपने घर में ही पढ़ेंगे।